नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में और आपके साथ मैं हूँ मोहिनी सक्सेना। दर्शकों, आज है गोवर्धन पर्व, तो आइए आपको बताते हैं कि गोवर्धन पूजा की शुरुआत कहाँ से हुई और इसकी क्या कहानी है। गोवर्धन पर्वत को गिरिराज पर्वत भी कहा जाता है। कहा जाता है कि 5000 साल पहले यह पर्वत 30000 मीटर ऊंचा हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में इसकी ऊंचाई शायद थोड़ी कम हो गई है। कहा जाता है कि पुलस्त्य ऋषि के श्राप के कारण यह पर्वत एक मुट्ठी रोज कम होता जा रहा है। इसी पर्वत को भगवान कृष्ण ने अपनी कनिष्ठिका उंगली यानी छोटी उंगली पर उठा लिया था। श्री गोवर्धन पर्वत मथुरा से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पौराणिक मान्यता के अनुसार श्री गिरिराज जी को पुलस्त्य ऋषि द्रोणाचल पर्वत से ब्रज में लाए थे। दूसरी मान्यता ये भी है कि जब राम सेतु का कार्य चल रहा था तो हनुमान जी इस पर्वत को उत्तराखंड से ला रहे थे, लेकिन तभी देववाणी हुई कि सेतु का कार्य पूरा हो गया, तो यह सुनकर हनुमान जी इस पर्वत को ब्रज में स्थापित कर दक्षिण की ओर पुनः लौट गए। दर्शकों, गोवर्धन पूजा के दिन घरों में पूजा तो की ही जाती है, साथ ही इससे जुड़ी एक कथा भी सुनी जाती है जो कि हमें बताती है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र की पूजा के साथ गोवर्धन पर्वत की पूजा की बात कही थी। तो चलिए आपको बताते हैं कि वो कथा क्या है। गोवर्धन पूजा की परंपरा द्वापर युग से चली आ रही है। उससे पूर्व ब्रज में इंद्र की पूजा की जाती थी, मगर भगवान कृष्ण ने गोकुल वासियों को सुझाव दिया कि इंद्र से हमें कोई लाभ नहीं प्राप्त होता, वर्षा करना उनका कार्य है और वह सिर्फ अपना कार्य करते हैं, जबकि गोवर्धन पर्वत गोधन का संवर्धन एवं संरक्षण करता है जिससे पर्यावरण भी शुद्ध होता है। इसलिए इंद्र की नहीं गोवर्धन की पूजा की जानी चाहिए। इसके बाद इंद्र ने ब्रजवासियों को भारी वर्षा से डराने का प्रयास किया, पर श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर सभी गोकुलवासियों को उनके कोप से बचा लिया। इसके बाद से ही इंद्र भगवान की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का विधान शुरू हो गया। वैसे तो हर भक्त अपनी ओर से भगवान की अच्छे से पूजा करता है, लेकिन हिंदू धर्म में हर त्योहार का पूजा करने का कोई ना कोई महत्व जरूर होता है और हर उपलक्ष्य पर कुछ विधियां बताई गई हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं कि गोवर्धन पर गोवर्धन महाराज की पूजा कैसे करें। दीपावली के अगले दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष में गोवर्धन पर्व मनाया जाता है। यह पर्व हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला त्योहार है। इसमें सभी लोग अपने घर के आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन महाराज की प्रतिमूर्ति बनाकर उनका पूजन करते हैं। इसके बाद ब्रज में साक्षात देवता माने जाने वाले गिरिराज भगवान को प्रसन्न करने के लिए उन्हें अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। इस परंपरा के तहत गाय के गोबर से गोवर्धन की तस्वीर को बनाकर उसकी पूजा अर्चना की जाती है। महिलाएं विधि विधान पूर्वक गोवर्धन महाराज की पूजा अर्चना करती हैं। घर के सभी सदस्य गोबर से बनी गोवर्धन की परिक्रमा लगाते हैं। शहर के सभी मंदिरों में गोबर से गोवर्धन महाराज बनाए जाते हैं, जहां श्रद्धालु पूजा अर्चना करके मनौती मांगते हैं। गोवर्धन पर्व के अवसर पर ताज नगरी के सभी मंदिर पर गोवर्धन महाराज की विशाल आकृति बनाई जाती है। इस आकृतियों को विभिन्न रंगों से सजाकर आकर्षक बनाया जाता है। इन मंदिरों पर पहुंचकर हजारों श्रद्धालु ने भगवान गोवर्धन की परिक्रमा की एवं परिवार के कल्याण के लिए मनौती मांगते हैं। दर्शकों, ये तो हमने आपको बताया कि गोवर्धन पूजा कैसे की जाती है, लेकिन जैसा कि हिंदू धर्म में पौराणिक काल से परंपराएं चली आ रही हैं और उनका कोई ना कोई महत्व जरूर होता है, तो आपको बताते हैं कि गोवर्धन पूजा का क्या महत्व है। गोवर्धन पूजा वाले दिन लोग घरों में गाय बैल आदि पशुओं को स्नान कराकर फूल माला धूप चंदन आदि से उनकी पूजा करते हैं। गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर जल मौली रोली चावल
फूल दही तथा तेल का दीपक जलाकर पूजा करते हैं तथा परिक्रमा करते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष में भगवान को अन्न से बने कच्चे पक्के भोग, फल फूल, अनेक प्रकार के पदार्थ जिन्हें छप्पन भोग कहते हैं, छप्पन भोग बनाकर भगवान को अर्पण करने का विधान भागवत में बताया गया है। और फिर सभी सामग्री अपने परिवार मित्रों को दे करके प्रसाद ग्रहण करें। दर्शकों, दीपावली के इस पंचोत्सव पर गोवर्धन पूजा का अपना अलग ही महत्व है, जिसके बारे में हमने आज आपको दिखाया। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी को एक बार फिर से गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। माना जाता है कि भगवान कृष्ण का इंद्र के मान मर्दन के पीछे उद्देश्य था कि ब्रजवासी गोधन एवं पर्यावरण के महत्व को समझें और उनकी रक्षा करें। आज भी हमारे जीवन में गायों का विशेष महत्व है। आज भी गायों के द्वारा दिया जाने वाला दूध हमारे जीवन में बेहद अहम स्थान रखता है। यूँ तो आज गोवर्धन ब्रज की छोटी पहाड़ी है, इसे गिरिराज या पर्वतों का राजा कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह भगवान कृष्ण के समय का एकमात्र पर्वत है। उस समय की यमुना नदी जहां समय समय पर अपनी धारा बदलती रही, वहां गोवर्धन अपने मूल रूप में स्थित है। इसे भगवान कृष्ण का स्वरूप और उनका प्रतीक भी माना जाता है और इसी रूप में इसकी पूजा भी की जाती है। बल्लव संप्रदाय के उपास्य देव श्री नाथ जी का स्थल होने के कारण गर्ग संहिता में इसके महत्व का कथन करते हुए कहा गया, गोवर्धन पर्वतों का राजा और हरि का प्यारा है। सभी को इस दिन प्रसन्न होकर इस गोवर्धन उत्सव को संपूर्ण भाव से मनाना चाहिए। गोवर्धन पर्वत की पूजा संभव ना हो तो घर पर ही बनाए गए गोवर्धन के प्रतीक की पूजा करने से भी लंबी आयु और आरोग्य की प्राप्ति होती है, दुख दरिद्र का नाश होता है। दर्शकों, दिवाली के इस पंचोत्सव पर गोवर्धन पूजा का अपना अलग ही महत्व है, जिसके बारे में हमने आज आपको दिखाया। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी को एक बार फिर से गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।